नमस्ते बच्चों, स्वागत है। ये है हमारा सेवेंथ लेसन का थर्ड पार्ट। सेवेंथ लेसन का थर्ड पार्ट कौन सा था हमारा? सेवेंथ लेसन वाराणसी। वाराणसी में हमने हाफ लेसन पढ़ा था और ये है उसका कंटिन्यूएशन। करें, चलें क्या? हम नोटबुक खोल लिया आपने अपना? हिंदी का नोटबुक खोल लीजिए। वाराणसी फोर्थ थर्ड पार्ट, वाराणसी लेसन थर्ड पार्ट। और ये है हमारा पहला स्लाइड। कौन सा है? ओ द गंगा। स्मॉल इंफॉर्मेशन टू यू, दिस इज द स्मॉल इंफॉर्मेशन टू यू अबाउट द वाराणसी दैट रिवर। ओके, द गंगा एक्शन प्लान वॉज अ प्रोग्राम लॉन्च इन अप्रैल 1986 इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पोल्यूशन लोड ऑन द रिवर गंगा। The states involved in Ganga Action Plan are Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Jharkhand. So the government has launched Ganga Action Plan and it has been launched only in 5 states. And in that state, Uttar Pradesh is also one of the place where the Kashi is there, where Banaras is there. Where Varanasi is there. Okay, Varanasi, Banaras, Kashi, all the same name to that state. Okay, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Jharkhand. So this is the action, Ganga action plan for cleaning the Ganga river, for keeping it clean, to reduce the pollution. So they have introduced, they have a scheme, this scheme, and they launched this scheme to 5 states. In that 5 state, Uttar Pradesh is one of the state where the Kashi is there. Okay, so small information, this is not belong to our lesson. I just thought to give you Ganga Action Plan launched in 1986 in order to reduce the pollution load on the river Ganga. Okay, so chalte hain next. देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, व्हाट इज देयर इन द काशी? हमने देखा था काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है। सो काशी में जो है हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी। ओके, या और, या मीन्स और, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बनारस हिंदू, काशी विश्वविद्यालय और द बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय। दिस इज द वन ऑफ द फेमस विश्वविद्यालय इन द भारत, नॉट इन उत्तर प्रदेश, इन भारत, इन इंडिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 को की थी। सो इसकी स्थापना किसने की थी? हिंदू विश्वविद्यालय हैज बीन ब्रॉट अप बाय राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। कब? When 1916 के इस सेंट्रल विश्वविद्यालय की स्थापना करने में मदन मोहन मालवीय को साथ के साथ डॉक्टर एनी बेसेंट जैसी महान हस्तियों ने दिया था। सो शी इज द वन ऑफ द, शी ऑल्सो गेव हैंड टू इनॉग्रेट, सॉरी फॉर्म दिस यूनिवर्सिटी, टू फॉर्म दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा संपूर्णानंदन संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंदन, संपूर्णानंदन संस्कृत विश्वविद्यालय, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय मैंने कहा था, यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। दिस इज वन ऑफ द संस्कृत यूनिवर्सिटी।
यह पूर्णात्य शिक्षा एवं संस्कृत से संबंधित विषयों पर उच्च शिक्षा का केंद्र है. दिस इज वन ऑफ द प्लेस वेयर द संस्कृत द अबाउट द संस्कृत एंड थ्रू द संस्कृत इज टॉट ओवर हियर. यह विश्वविद्यालय मूलतः शासकीय संस्कृत महाविद्यालय था जिसकी स्थापना सन 1791 में की गई थी. And this is started in 1791. This Sanskrit University has been started in 1791. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय है. This is also situated in Varanasi. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ओके, दिस इज यूनिवर्सिटी. पहले इसे केवल काशी विद्यापीठ के नाम से ही जाना जाता था. बिफोर इट हैज बीन कॉल्ड एज काशी विद्यापीठ, बट नाउ इट हैज बीन कॉल्ड एज अ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ. किंतु बाद में इसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुनः समर्पित किया गया और उनका नाम इसके साथ जोड़ दिया गया. सो लेटर ऑन इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू महात्मा गांधी जी. सो एंड आफ्टर दैट इट हैज बीन कॉल्ड एज अ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ. ठीक है, नेक्स्ट. तिब्बती बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान डिम्ड विश्वविद्यालय एक विशिष्ट उच्च शिक्षण संस्थान है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी. तिब्बती संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना वर्ष 1967 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और H 10 + 14 दलाई लामा के बीच संवाद के फलस्वरूप हुई. सो दिस इज एक्चुअली तिब्बती, तिब्बत कंट्री इज देयर नो, तिब्बती द कल्चर ऑफ द तिब्बती एंड देयर नेचर ऑफ अ लिविंग. इट गिव्स अ फुल डिटेल अबाउट इट, teaches us the full detail about the Tibeti people. And Baudh Adhyayan ke kshetra mein Kendriya Uchchatar Tibeti, this is one of the, you can just know this, this is one of the university which gives the details about the Tibeti people and their culture. And it has been introduced, started by our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ji or H.H. 14 दलाई लामा, ओके, इनके बीच में स्थापित किया गया 1967 में. और छोटा सा एक अभ्यास आ गया हमारे लिए, ये है हमारा लेसन का अभ्यास है माँ. वाराणसी कौन से राज्य का एक प्रमुख प्रसिद्ध शहर है? कौन से राज्य का, विच वॉज द स्टेट, वाराणसी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश में, वेरी गुड. यूनी आंसर आ गया. बनारसी रेशम साड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है? व्हाई द सिल्क साड़ीज इज सो फेमस इन बनारसी? कढ़ाई के लिए, फॉर दियर निटिंग, महीनता एवं कोमलता, फॉर दियर सॉफ्टनेस, जरी के काम, फॉर बॉर्डरिंग. बहुत अच्छा, महीनता एवं कोमलता, फॉर देयर सॉफ्टनेस, दी सारीज आर वेरी फेमस. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हु हैज बीन स्टार्टेड दिस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कौन थे वो? मदन मोहन मालवीय. आ गया आंसर, आ गया, ओके. ये था हमारा एक छोटा सा अभ्यास. चलें लेसन के अंदर फिर से.
और देखिए ये है दशहरा का सेलिब्रेशन। हम यहाँ दशहरा नहीं मनाते ना, बट नॉर्थ साइड में दशहरा बहुत अच्छा मनाते हैं। हम जानते इतना सारा भीड़ होता है वहां पर, बहुत भीड़ होता है दशहरा के समय। What the people will do during the Dashera? This we are spending now Dashera holidays. These 10 days holiday is said to be as a Dashera holidays. Why? Because on this day they will burn the Ravana. They will burn the Ravana. See, they will have a very big statues, or the they will have a very big what is that we say? Build Ravana's figure. They will make a very big Ravana's figure. It would be so tall. It would be so tall. And during this day, no, they will burn the Ravana. This is the celebration over there. Why they are burning the Ravana's? Ravana. It comes in the Ramayana, isn't it? Comes in the Ramayana. So Rama is the person who killed the Ravana. So for that reason they are celebrating this this day, and a lot of crowds would be there. So it would be so happy celebration in the north side, but we are not celebrating this one. Here I came to know that in Tamil Nadu we are giving more importance to Ravana. Okay, because he belongs to the Ceylon, I think so. Okay, so many stories are there in Ramayana. Okay, when you see by TV, no, it won't be so interesting. But sometimes in some temples and all, no, they will sing a song. They will say the story in a song. That would be so interesting to listen. Okay, and they listen and... so interesting. Okay, this Ravana celebration, this will take to 2 to 3 4 days also. They will have that figure on the ground, on a very big ground, for 2 to 3 days. At last that the Dashera day they will burn the Ravana's figure. So yahan Dashera badi dhoomdham se manaya jata hai. It would be celebrated so ग्रैंडली, धूमधाम, धूमधाम में सो ग्रैंड। इस समय रामचरितमानस ग्रंथ के अनुसार श्री राम के जीवन लीला का मंचन होता है। सो ड्यूरिंग दिस डे दे विल एनेक्ट द रामास लाइफ। दे विल एनेक्ट द रामास लाइफ। राम जीवन लाइफ, जीवन में श्री राम की जीवन, Rama's life would be manchan. Manchan means to enact. So during these, I said, no, 2 to 3 days they will keep a Ravana over on the very big ground. During these times, no, they will enact. Some people would be there to enact the Ramayana. They will enact the Ramayana, and during the day when day will come, no, in that story, the Ramayana story, when the day will come to burn that city of the Ravanas, that time they will burn that Ravana's figure also. So by that everything will be over and they will come back. Okay, so this is the story. So very interesting. Every day we will go to listen. I too have went to listen the stories and all. I too have saw this burning of the Ravana's very big figure. Okay, so Ramcharitmanas and Ram Leela is enacted during Dashera holidays. That 2 to 3 days they will act. Okay, so next chale kya? I'm speaking a lot. These are the information you have to get. You, if you go to the north side, you can see that it's a very grand celebration. Okay. नेक्स्ट, ओके बच्चों, टाइम हो रहा है शायद से, नेक्स्ट पार्ट में मिलें क्या? वी विल मीट बाय द नेक्स्ट पार्ट। दिस स्लाइड आई विल टेक इन द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट।